अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आई एम बैक आफ्टर अ मच नीडेड ब्रेक और इंशाल्लाह रेगुलरली अब मैं वीडियोस जो हैं वो पोस्ट करती रहूँगी। आज मैं आपके लिए सर्दियों के हवाले से एक बहुत मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ लाहौरी फ्राइड फ़िश और इसके लिए मैं यूज़ करूँगी शान का लाहौरी फ़िश मसाला। बहुत मज़े की इसके साथ फ़िश बनती है, मैं बनाती रहती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ रेसिपी शेयर की जाए। सो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल का आइकॉन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो उसको थम्स अप कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर 1 kg फ़िश ले ली है, मैं रोहू यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी फेवरेट कोई भी फ़िश जो है वो यूज़ कर सकते हैं और इसके इस तरह से मैंने पीसेस करवा लिए हैं। फ़िश जब भी आप लें मेक श्योर करें कि बिल्कुल फ़्रेश हो और जो फ़्रेश फ़िश होती है उसमें किसी किस्म की भी स्मेल नहीं होती। फिर भी जो हल्की सी उसके अंदर एक हींग होती है उसको रिमूव करने के लिए आप फ़िश को आटे और नमक के साथ जो है वो अच्छी तरह से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद थोड़ी देर के स्ट्रेनर में छोड़ दें ताकि जो एक्सेस पानी है वो सारा ड्रेन आउट हो जाए और उसके बाद फिर पैट ड्राई भी कर लें। उससे यह है कि फ़िश जो है वो पानी नहीं छोड़ती है जब आप उसको मैरिनेट करते हो और मसाला बहुत अच्छे से फ़िश में पेनिट्रेट हो जाता है। तो हमें 1 kg फ़िश चाहिए होगी। उसके अलावा मैंने 1 heaped tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है और इसमें मैंने 1 हरी मिर्च को भी जो है वो पीस लिया था, तभी आपको थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन सा ये लग रहा होगा। अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा और 1 से 1.5 tablespoon हमें चाहिए होगा फ्रेश लेमन जूस। लेमन जूस का बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, फ़िश में ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। और 1 heaped tablespoon मैंने बेसन ले लिया है। बेसन जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपको एक अच्छी क्रिस्पी सी कोटिंग चाहिए तो यू कैन यूज़ इट, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हमें चाहिए होगा शान का लाहौरी फ़िश मसाला और उसके अलावा तकरीबन 1/2 cup पानी जो है वो हम यूज़ करेंगे बैटर बनाने के लिए। यहाँ पर एक बड़ा बोल ले लिया मैंने और इसके अंदर मैंने डाल दिया है ये शान का लाहौरी फ़िश मसाला। 1 kg के लिए वैसे तो पूरा पैकेट होता है बट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है इसके अंदर, तो मैंने जो है वो तकरीबन 2-3 tablespoons रिज़र्व कर दिए थे, बाकी सारा इसमें ऐड किया। और ये जो इसमें मैंने आपको लेमन जूस बताया वो आप ऐड कर लें, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लें और साथ में मैंने जो है बेसन ऐड किया, ये ऑप्शनल है। और उसके बाद जो है पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करके आपने इसका एक जो है वो बैटर तैयार कर लेना है। और जो आपका बैटर है वो ऐसा होना चाहिए कि वो अच्छे से फ़िश के ऊपर जो है वो कोट हो जाए, ना तो बहुत आपने पतला रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने एक मीडियम कंसिस्टेंसी का जो बैटर है वो रेडी कर लिया और अब इसके अंदर हम अपने फ़िश के सारे जो पीसेज हैं वो ऐड कर देंगे और उसके बाद हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरह से हमने फ़िश को जो है वो इस मिक्सचर में, इस बैटर में जो है वो कोट कर लेना है। और उसके बाद जो है हम मैरिनेट कर देंगे फ़िश को थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर फ़िश पर मैंने बहुत अच्छी तरह से ये बैटर जो है वो अप्लाई कर दिया है और अब मैंने रख दिया इसको मैरिनेट होने के लिए। आई वुड रेकमेंड कि आप इसको एटलीस्ट 2 घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करें ताकि फ़िश में जो है वो अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। फ़िश बहुत ब्लैंड होती है अंदर से, तो उसमें फिर अगर आप प्रॉपरली इसको मैरिनेट नहीं करेंगे तो अच्छा सा टेस्ट नहीं आएगा। तो फ़िश जो है वो मैरिनेट हो चुकी है और अब हम चलते हैं फ्राइंग की तरफ। यहाँ पर एक पैन के अंदर मैंने ऑयल डाल लिया है, मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो जब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तो 1 by 1 सारे फ़िश के जो पीसेस हैं वो मैंने इस पर ऐड कर दिए हैं और बस अब हम फिश को फ्राई करेंगे। और यहाँ पर आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट शेयर कर रही हूँ, आप इसको टिप समझ लें। जब भी आप कोई बैटर फ्राइड फ़िश जो है वो बना रहे हो तो आपने ऑयल में डालने के बाद जो है उसको एकदम से उलटना पलटना नहीं है, आप उसको थोड़ी देर के लिए जो है वो छोड़ दें। जब एक साइड से अच्छे से कोटिंग जो है वो फर्म हो जाए और फ़िश जो है वो आपकी एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो उसके बाद जो है वो आप साइड को चेंज करें। बार बार अगर आप साइड चेंज करेंगे तो आपकी जो कोटिंग है वो उतर जाएगी
जाएगी, फ़िश आपकी प्रॉपरली फ्राई नहीं होगी, ऑयल बहुत ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब कर लेगी। सो इस बात का ख़ास ख्याल रखें, जब भी आप फ़िश फ्राई करें हो, जब एक साइड से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, प्रॉपरली कुक हो जाए, तो उसके बाद आप उसकी साइड चेंज करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे जो फ़िश के पीसेस थे काफ़ी बड़े थे, तो मैंने 5 मिनट्स ईच साइड पर इसको कुक किया। ये देख सकते हैं आप, अच्छा सा ब्राउन कलर आ चुका है और उसके बाद मैंने साइड चेंज की है। फ़िश जो है वो बहुत डेलिकेट होती है, तो बार बार अगर आप साइड चेंज करेंगे तो वो टूट भी सकती है। सो फिश जो है वो यहाँ पर मेरी फ्राई हो चुकी है। तकरीबन 10 मिनट्स इसको लगे थे क्योंकि पीसेस बड़े थे। अगर आप छोटे पीसेस यूज़ करें या फिलेस यूज़ करें तो फिर उस हिसाब से उसको टाइम दीजिएगा। तो फिश को मैंने जो है वो ऑयल से निकाल लिया है। थोड़ी देर के लिए मैं फ़िश को स्ट्रेनर में छोड़ दूंगी ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए और उसके बाद हम सर्व करेंगे। आप इसको मिंट चटनी, इमली की चटनी और फ्रेश सैलड के साथ सर्व कर सकते हैं, साथ में रोटी या नान के साथ इसको एंजॉय करें। बहुत ही क्रिस्पी सी इसकी आउटर कोटिंग होती है और अंदर से भी बहुत मज़े की स्पाइसी सी बनती है। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आई होप ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।